मित्रों सेफ्टी का लक्ष्य क्या है? सेफ्टी का लक्ष्य साधारणतया बोला जाता है शून्य दुर्घटना, और अधिक से अधिक बोला जाता है सुरक्षित उत्पादन। पर वेदों में सेफ्टी का लक्ष्य क्या दिया हुआ है? वेदों में सेफ्टी का लक्ष्य बहुत ही ऊंचा निर्धारित किया हुआ है। उसके लिए यजुर्वेद के 36वें अध्याय में एक मंत्र आता है, तच्चक्षुर देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम श्रृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनाश्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। कितनी ऊंची अवधारणा दी हुई है, अर्थात हम 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक बोले, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक अधीन रह करके जिए, और ऐसा 100 वर्ष के बाद भी हो। अगर हम इसके एक एक पद को लेते हैं तो हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। सेफ्टी के माध्यम से हम किस लक्ष्य को प्राप्त करें? सबसे पहला लक्ष्य इसमें कहा गया है पश्येम श्रद्धा शतम, 100 वर्ष तक हम देखें, मतलब हमारी आंखों में कोई इस प्रकार का डिफेक्ट नहीं आना चाहिए जिससे कि हम 100 वर्ष से पहले हमारी आंखें कमजोर हो सके। मतलब कि हम जब भी साइट पे जाते हैं तो अपने आंखों को चोट से बचाने की व्यवस्था करके जाएं, गॉगल्स लगा करके जाएं, और अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो फिर तीव्र चमक से और जो उड़ने वाली गर्म छींटे हैं उससे आंखों को बचाने के लिए फेस शील्ड लगा करके रखें, और अगर किसी प्रकार का कोई रसायन का काम हम करते हैं तो भी हमको उचित प्रकार के गॉगल्स लगा करके रखने चाहिए ताकि हमारी आंखें बिल्कुल भी ख़राब ना हो पाए। और अगर किसी प्रकार से आंखों में रसायन चला जाए तो फिर आई वॉश का इस्तेमाल करें, इमरजेंसी आई वॉश जो कि हर केमिकल प्लांट में लगा होता है उसका इस्तेमाल करके अपनी आँखों को स्वस्थ बना करके रखें, किसी भी प्रकार से उसमें कमी न आने दें। अगला हमारा वैदिक लक्ष्य है जीवेम श्रद्धा शतम, 100 वर्ष तक हम जिए, मतलब हमारा फैटल एक्सीडेंट का रेट 0 होना चाहिए, किसी का भी फैटल एक्सीडेंट ना हो इस प्रकार से व्यवस्था करें। अब ये फैटल एक्सीडेंट होता कैसे? अधिकतर सिर की चोटों से फैटल एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, तो सिर की चोट से बचने के लिए हमेशा हेलमेट अवश्य लगा करके रखें, चाहे हम गाड़ी चला रहे हों या हम प्लांट में कार्यस्थल पर किसी प्रकार का कार्य कर या करवा रहे हों, हमारे पास हेलमेट अवश्य रहना चाहिए और उसको हम सही प्रकार से धारण करें ताकि वह हमारी रक्षा कर सके। वैसे ही सभी प्रकार के मशीनों में, बिजली से संबंधित कामों में, रसायनों में, जहाँ पे भी बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं, उन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें ताकि हम 100 वर्ष तक जी सके, कोई भी वर्कर का कभी भी फैटल एक्सीडेंट ना हो। हम 100 वर्ष तक जिएं, 100 वर्ष तक कैसे जिएंगे? 100 वर्ष तक जीने के लिए हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। हम स्वस्थ कैसे रहेंगे जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे? हम अधिकतर बीमार कैसे पड़ते हैं? गंदे वातावरण से पड़ते हैं, डस्ट वाले वातावरण से पड़ते हैं, खास करके प्लांट्स में कोयले का डस्ट और राखड़ का डस्ट होता है, जिसके कारण कि हमारे श्वास के साथ ये डस्ट अंदर चले जाते हैं, हमारे फेफड़ों में जमने लगते हैं और अनेक प्रकार के रोग पैदा करते हैं। सर्दी खांसी से शुरू होता है, फिर निमोनिया हो सकता है, दमा हो सकता है, अंत में फेफड़ों के कैंसर जैसे खतरनाक रोग भी हो सकते हैं जो हमारी आयु को बहुत ही कम कर देते हैं। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमको डस्ट वाले एरिया में कार्य करते समय विशेष सावधानियों की जरूरत है। हमको सही प्रकार के डस्ट मास्क का प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा डस्ट है, ज़्यादा फाइन डस्ट है तो हेपा डस्ट मास्क का प्रयोग करना चाहिए, और जितने भी डस्ट वाले क्षेत्र हैं उसको डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम वहाँ पर लगा होना चाहिए, डस्ट सेपरेशन सिस्टम वहाँ पर लगा होना चाहिए। ये सब चीज़ों के माध्यम से हम 100 साल तक जी सकते हैं, स्वयं भी जी सकते हैं और दूसरे हमारे साथी वर्कर्स हैं वो भी 100 साल तक जी सकते हैं। अगला कहा हुआ है श्रृणुयाम श्रद्धा शतम, अर्थात हम 100 वर्ष तक सुने, यानी कि हमारे कानों में कोई भी डिफेक्ट 100 वर्ष तक नहीं आने चाहिए। कानों में डिफेक्ट कैसे आता है? कानों में डिफेक्ट आता है बहुत ज़्यादा ध्वनि वाली मशीनों के पास काम करने से, बहुत उच्च ध्वनियाँ कानों में प्रवेश करती है, कान के मशीनरी को ख़राब कर देती है। उससे बचने के लिए हमको ईयर मफ, ईयर प्लग का प्रयोग ऐसे स्थानों में कार्य करते समय अवश्य करना चाहिए। और अगला कहा हुआ है प्रब्रवाम श्रद्धा शतम, हम 100 वर्ष तक बोलें, 100 वर्ष तक सेफ्टी की बात करें, 100 वर्ष तक हमारे आसपास जितने भी वर्कर्स हैं उनको हम अपने अनुभवों के बारे में बताएं, सेफ्टी के बारे में बताएं, किस प्रकार से कोई एक्सीडेंट हो सकता है उसके बारे में बताएं, उनको हम टूल बॉक्स मीटिंग दें, उसको हम गलत कार्य करने से रोकें टोकें,
चुकें, इस प्रकार से हम 100 वर्ष तक कार्य करते रहें तो हम इस सेफ्टी के ऊंचे लक्ष्य को, वैदिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आगे कहा गया है, अधीना श्याम सर्धशतम, 100 वर्ष तक हम अधीन हो, अर्थात हम दूसरों पर आश्रित ना हो। दूसरों पर आश्रित कौन होता है? दूसरों पर आश्रित होता है अपाहिज व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। तो हम अगर अपाहिज हो जाएंगे, अगर हमारा किसी का हाथ कट गया या पैर कट गया तो हम दीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार के सभी एक्सीडेंट्स को जिसमें कि अपाहिज होने की संभावना हो, इसको रोकने की संकल्पना है। और भी इसमें आगे बढ़ करके संकल्पना दी हुई है, भूयश्च सर्धशतात, 100 वर्ष से आगे भी ऐसा ही हो। यानी कि अगर हमारी आयु 100 वर्ष से ज़्यादा होती है तो भी हम इसी प्रकार से अच्छी प्रकार से देख सकें, अच्छे प्रकार से सुन सकें, अच्छे प्रकार से जी सकें, किसी दूसरे पर अधीन ना हो। तो इतनी ऊंची संकल्पना की बात वेदों में बताई गई है। तो हम इस सेफ्टी संबंधित वेदों के उच्चतम लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें, इसके लिए इन सभी चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।